हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल, एमडी होम्योपैथ्स, और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का वीडियो में हम बताएंगे कि जब पेंडेमिक टाइम चल रहा है और वायरस का जो संक्रमण हो रहा है, तो हमारे क्लिनिक पर और मेरा फ्रेंड सर्कल में कई लोगों का फ़ोन आता है कि डॉक्टर साहब अभी क्या किया जाए, कि जैसे प्रिवेंशन किया जाए। हमें आगे भी आपको बताया कि हम होम्योपैथिक में ऐसे दवा 35 से 40 हज़ार लोगों को दिया है, तो फिर भी लोग आते हैं और घबराते हैं, नहीं नहीं सर, हर रोज़ 1 लाख जो केस आ रहा है, तो जो हमें और हमारा फैमिली को बचाने के लिए कोई कोई घरेलू उपचार बताइए। तो मेरे को, मैंने थॉट करके मैंने विचारा कि आज मैं ऐसी कोई चीज़ बताऊँ कि आप होम मेडिसिन कर सकते हैं, इससे आपका जो वायरस का संक्रमण भी टल सकता है, और इसके जरिए आपका जो कफ प्रकृति का जे लोगों को संक्रमित हो जाता है, जिसके छींके आती है, नाक में लीट आता है, साइनुसाइटिस हो जाता है, हेडेक होता है सर्दी के वजह से, नाक ब्लॉक हो जाता है, डेविएट सेप्टम हो जाता है और पानी गिरता है, नोज़ ब्लॉक हो जाता है, अस्थमा है, एलर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा है, इसको कैसे बचा जाए। तो इसके लिए मैं आपको एक होम मेडिसिन बताता हूँ, ये आप खुद कीजिए और हर रोज़ करते रहिए, क्योंकि ये जो पैंडेमिक युग में जो अभी कोरोना वायरस है, ये कहीं जाने वाला नहीं है, जाने वाला नहीं है, और कब भी वैक्सीन आए ये मालूम नहीं पड़ता है। तो हमारा शरीर और हमारा फैमिली, हमारा फ्रेंड सर्कल, हमारा सिटी, हमारा देश को कैसे बचाया जाए, तो मैं आप एक उसको घरेलू उपचार बताते हैं। मित्रों, जब भी आप कोरोना वायरस का संक्रमण हो रहा है, तब इतनी बड़ी बड़ी एडवर्टाइज आता है कि भाई हैंड वॉश करो, माउथ वियरिंग करो, या सोशल डिस्टेंसिंग रखो, और आप ये लोग तो करते हैं, पर हमारा शरीर को आप सैनिटाइजेशन कैसे करते हैं, तो हमारा नोज़ और हमारा इंटरनल ऑर्गन को कैसे तरह सैनिटाइजेशन किया जाए, तो ये जो वायरस का संक्रमण नहीं हो जाए। मित्रों, ये जो वायरस है, इसका जो प्रवेश द्वार है हमारा नोज़, माउथ एंड ईयर है, तो इसके लिए हमारा शरीर घर में एक स्टीमर यूज़ करिए। स्टीमर कैसा आता है, ऐसा मिल सकता है, नहीं तो तपेले में पानी लेके उबाल के अंदर थोड़ा अजवाइन डाल के भी आप उसको, जो बाफ निकलती है, ये बाफ नाक से लो, मुंह से निकालो, मुंह से लो, नाक से निकालो, शुरुआत में नाक में 10 से 15 बार लो, मुंह से 10 से 15 बार लो, घर में हर लोगों को बाफ लो, तो ये सबसे अच्छा है। बाफ से क्या होएगा, जो हमारा जो नोजल कैविटी है, इसमें जो विनाश होता है ये मेंटेन रहता है, इसके जरिए जो अंदर का लेयर में जो एक एंजाइम्स होता है, जो बाहर का वायरस का संक्रमण होता है, तो उसको स्टॉप कर देता है, एलर्जिन जन्य रोगों को स्टॉप कर देता है, और ये पैसेज से अंदर जो वायरस या बैक्टीरिया जाता है, तो उसको ये स्टॉप करता है। 70% जो भी वायरस कंट्रोल करता है हमारा नीजल कैविटी में जो म्यूकस सिक्रीशंस होता है, ये एसिडिक होता है, ये हमारा शरीर में ये जो भी पोलन्स होती है, जो भी बैक्टीरिया होता है, जो भी वायरस होता है, ये उसको रोक देता है, क्योंकि हमारा ये जो नेजल चैम्बर होता है, इसमें कोई भी वायरस होता है, ये 3 से 4 दिन रहता है, बाद में ये वायरस का संक्रमण धीरे धीरे हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की चैम्बर में चला जाता है, और धीरे धीरे ये जो संक्रमण होता है ये हमारा लंग्स के तरफ हो जाता है, तो लंग्स में संक्रमण पैदा हो जाता है। पर जब आप बाफ लेते हैं, स्टीम लेते हैं, देखो ये बाफ स्टीम लेने में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप हर रोज़ किया करो, क्योंकि बाफ से ऐसे माना जाता है कि जब भी 40 सेंटीग्रेड उष्णतामान से जो आप स्टीम लेते हैं, तो जो वायरस आपका अपर नेजल कैविटी में और नेजोफेरेंक्स कैविटी में जो भी चैम्बर में वायरस है, ये पैरालाइज्ड हो जाता है, ये ग्रोथ नहीं करता है। पर जो 17 डिग्री स्टीम से आप बात लेते हैं, तो आपका ये जो वायरस होता है कंप्लीट क्योर हो जाता है, क्योंकि जो हम लोग हॉस्पिटल में काम नहीं करते हैं, क्लिनिक में काम नहीं करते हैं, इसलिए हमारा शरीर में वायरस लोड कम होता है। पर कई बार ये संक्रमित हो जाते हैं, हम कोई परचेज करने जाते हैं और कोई बाजू में किसी को कोविड-19 हो गया, या कोई हमारा ऑफिस में कोई व्यक्ति को हो गया, तो इसके जरिए वहाँ रोज़ कराया करो, तो तुम्हारा रेस्पिरेटरी ट्रैक की इम्यूनिटी भी बढ़ेगा और आपके कफ जन्य रोगों में भी राहत करेगा। आप मित्रों 30 डेज आप करोगे, तो आपकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक का
जो भी इन्फेक्शन कायम ही रहता हो, जो सर्दी रहते हो, जिसको छींके का प्रॉब्लम है, जिसको नोज़ में नेजल पॉलिप्स है, मैंने आगे एक वीडियो बनाया है कि जिन लोगों को नेजल पॉलिप्स है या कोई मसा नाक से मांस निकल आता है तो उसको ऑपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, होम्योपैथिक में 100% क्योर हो जाता है। जिन लोगों को मित्रों एलर्जिक साइनोसाइटिस हो या एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हो या एलर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा हो या डेविड सेप्टम हो और जिसको सड़ेखम का प्रॉब्लम कायम ही रहता हो, उन लोगों को स्टीम बहुत ही काम करता है। तो मित्रों ये स्टीम के कोई साइड इफेक्ट नहीं है और हर रोज़ स्टीम आप लिया करो तो आपकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है ये उसको आप क्लीन कर सकते हैं और एक जात का एक सैनिटाइजेशन है। ऐसे तरह आपका जो अननाड़ी को आप सैनिटाइजेशन करना चाहते तो हर रोज़ खाने के बाद अन्न खाने से पहले 200 ml गर्म पानी पीने से आपका जो अननाड़ी का जो पार्ट है ये भी आपको क्लीन हो जाता है और जो ये भी सैनिटाइजेशन हो जाता है। और सारा शरीर को सैनिटाइजेशन करने के लिए आप योग कीजिए, आप प्राणायाम कीजिए, वॉक कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, जो भी आपको पसंद हो ऐसे एक्टिविटी करा करो तो तुम्हारा खून में भी जो सर्दी है धीरे धीरे निकल जाएगा, इम्यूनिटी बढ़ेगा और ये जो आपका COVID-19 का इन्फेक्शन नहीं रहेगा। मित्रों कई बार हम COVID-19 के अगेंस्ट में कई बार उकाला लेते हैं तो गर्म पदार्थ लेते हैं तो कई बार लॉन्ग टर्म में हमारा शरीर में जो लोगों को गर्म प्रकृति होता है और गर्म चीज़ खाते हैं तो उनको स्किन डिजीज निकल आ जाता है, बाल निकलने लग जाता है और जो उसके नाखून है क्रैकनेस हो जाता है। कई बार स्किन डिजीज थोड़ा प्रमाण में होता है तो एग्रेट प्रमाण में ज़्यादा प्रमाण में हो जाता है तो ये भी लेना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि अभी गर्मी चालू हो गया है भादरवा महीने की जो ये शीत ऋतु में। तो आप गर्म पदार्थ लोगे तो जो लोग सेंसिटिव है स्टमक की वाइज और प्रकृति वाइज तो उनको ये भी रोग बढ़ता है। तो मित्रों शॉर्ट आप बाप लीजिए, स्टीम लीजिए, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप 2-3 बार ले सकते हैं। जिन लोगों को बाहर आना जाना रहता है ये सुबह दोपहर शाम को लो, बच्चे भी ले सकते हैं, 1-2 मिनट का ही टाइम है, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप एक बार लेने को चालू करो आपका नेजल कैविटी अच्छा रहेगा, आपका गला भी अच्छा रहेगा, कोल्ड कॉफ सर्दी खांसी जो भी जुखाम रहता हो ये चला ही जाएगा। क्योंकि आज आप देखोगे 10 में से 8 लोग एयर कंडीशन यूज़ करते हैं, हम कोल्ड वेदर से हॉट वेदर में जाते हैं तो हमारा शरीर थोड़ा टाइम तो हम उसको बैर कर सकते हैं पर लॉन्ग टर्म हमारा गले का या टॉन्सिल्स का या लेरेंजाइटिस या फेरेंजाइटिस या आवाज़ बैठ जाना और खांसी एलर्जिक ब्रोंकाइटिस नेजल कैविटी का कई रोग है वो हो जाता है और वो निकलना मुश्किल होता है। तो जो कफ प्रकृति वाले हैं इनके लिए ये अमोघ औषधि है, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी पैसा नहीं है। तो आप शॉर्ट कीजिए और ये COVID-19 से बचिए। साथ में आप सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क पहनिए, हेल्दी फूड खाइए और बार बार हाथ धोओगे तो मित्रों जो हमारा वैश्विक हम अभी बीमारी पैंडेमिक्स में निकल पसार हो रहे हैं तो हम हमारा फैमिली हमारा फ्रेंड सर्कल देश और हमारा शहर को बचा सकते हैं। मित्रों मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।